मेरा नाम गीतांश शर्मा है। मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की है। मेरा हिमाचल में 7वां स्थान आया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पढ़ाई में बहुत योगदान दिया है और मैं रोज़ कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता हूँ और मैं एक रूटीन बना के पढ़ता हूँ कि मतलब कभी बीच में ब्रेक नहीं दूँगा। और मैं अपना और एक स्कूल में जो एक माहौल बनाया हुआ है बॉयज़ स्कूल में, वो एक जैसे डिसिप्लिन रहता है। सारे टीचर अपने जैसे बच्चों का बिल्कुल ध्यान से पढ़ाते हैं और सभी बच्चे अपने अध्यापकों का एक सम्मान से उनके साथ व्यवहार करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारी जो जिला परिषद वार्ड है क्रिया, उसकी पंचायत है उटी पंचायत, और उटी पंचायत के हैं स्थानीय निवासी हमारे छोटे भाई गीतांश शर्मा। इन्होंने आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है चंबा का नाम रोशन किया है, और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इन्होंने जो अभी 12वीं कक्षा का जिनका रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 7वां स्थान जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अपना 7वां स्थान जो है वो बनाया है। ये बड़े गौरव का विषय है कि हमारे एक जो जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा जिसे माना जाता है उसमें से इस तरह के हीरे जो आज चंबा से निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, इनके माता पिता को बधाई देना चाहेंगे, और ख़ासकर इनके जो गुरुजन हैं जिनके जो मार्गदर्शन से और जिनके प्रयासों से जो ये आज यहाँ तक इस तरह की जो पोजीशन आज यहाँ बना पाए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चंबा के, खासकर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि चंबा में हीरो की कमी नहीं है, ज़रूरत है उन हीरों को तराशने की और उन्हें सही मंच देने की। और उस तरह का जो आज मंच उनके पेरेंट्स और जो उनके अभिभावक और इनके जो गुरुजन हैं इन्होंने आज इनको दिया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि चंबा के अन्य जो युवा है वो भी अन्य जो गलत रास्तों में भटक रहे हैं वो ना भटके और इस तरह इनसे प्रेरणा लें कि अगर ये इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, इतने अच्छे अंक ले सकते हैं अपनी कक्षा में, तो वो और बच्चे क्यों नहीं ले सकते हैं। सभी बच्चों में जो है कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन जरूरत होती है अच्छे मार्गदर्शन की। लोग इन्होंने ये जो स्थान हासिल किया हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है, इसके लिए मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद।